नमस्ते दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग होंगे जो हैंड स्टैंड का अभ्यास करना चाहते होंगे। यानी कि अगर आपका सपना है बचपन से या फिर अभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी एज हो, यानी कि 30 प्लस, 40 प्लस या 50 प्लस, लेकिन आपका सपना है कि वो अपने हाथों पे खड़े होकर अपनी बॉडी को स्टेबल करे और आपका जो हैंड स्टैंड है उसे कम्प्लीट करे। दोस्तों, ये जो आसन है, इस आसन को सीखने के लिए आपकी मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, कितनी ताकतवर है। अगर आपका मसल्स का कोऑर्डिनेशन आपके शरीर के साथ, आपके नर्वस सिस्टम के साथ काफी कम है, तो इस आसन को बैलेंस करना, अपनी बॉडी को बैलेंस करना इस आसन में काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे कि आप मेरे वीडियो या फिर काफी सारे स्टूडेंट जो सीखते हैं मुझसे, उनको आप देख सकते हो उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो आप डायरेक्ट जंपिंग के साथ ट्राई करते हो और आपका बैलेंस एक दो सेकंड तक रहता है, फिर आपका बिगड़ जाता है। सो दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी बॉडी पे फोकस ना करके डायरेक्टली आप अपने आर्म स्ट्रेंथ यानी कि हैंड स्टैंड का अभ्यास करते हो, जिससे ये होता है कि आपके अंदर आर्म्स की ताकत नहीं होती है, और दूसरा, जैसे ही आप ऊपर लिफ्ट करते हो तो आपकी वीकनेस के वजह से आपका बॉडी स्टेबल नहीं हो पाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी अपनी हर एक मसल्स में यानी कि बॉडी की वर्क नहीं किया होता, यानी कि आर्म्स में, कोर में। तो ये अगर आप भूल जाओगे, स्किप कर दोगे, तो क्या होगा, आपका हैंडस्टैंड पूरा नहीं हो पाएगा। तो लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, एकदम बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचना है, अपने हैंडस्टैंड को किस तरीके से सीखना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए सीखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि हैंडस्टैंड होता क्या है और किस तरीके से आपने करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिससे आप अपने हाथों की यानी कि पूरी बॉडी की मजबूती बना सकते हो, एकदम ला सकते हो। वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनको आपने प्रैक्टिस करना है, क्या ड्यूरेशन है, सब कुछ जानने को मिलेगा। सो दोस्तों, हैंडस्टैंड करने के लिए आपने सबसे पहले तो अपनी मैट पर आराम से खड़े हो जाना है। अब जो आपके दोनों हाथ है वो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लेस करेंगे, इस यहाँ पर। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरे दोनों हाथों के बीच में गैप कितना। सो देखिए, अगर आपको हाथों का डिस्टेंस रखना है तो मैं आपको बता दूं आप कितना गैप रखेंगे। एक हाथ का गैप आप बीच में स्पेस दे सकते हैं और बाद में एक हाथ इधर और एक हाथ इधर प्लेस कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, आपका शोल्डर और आपका रिस्ट एकदम पास में होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री होना चाहिए, और ये आपका इस तरीके से दूसरा हाथ भी। अब जब मैं लिफ्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं बॉडी को लिफ्ट कर पा रहा हूँ, और ऐसा ही हैंड स्टैंड आपको भी मैं सिखाऊंगा। चलिए देखिए, तो बॉडी को मैं अपनी यहीं से ऊपर लिफ्ट करूंगा और मुझे अपने पैरों से किक अप नहीं करना है। अब आप प्रॉपरली देखिएगा किस तरीके से मैं लिफ्ट करता हूं अपनी बॉडी को। सो दोस्तों, ठीक ऐसा ही आपने भी अपना हैंडस्टैंड करना है। और अगर आप घर पे पहली बार इस आसन का अभ्यास करते हो, यानी कि आपको लगता है कि ये आप पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपने कभी भी इसको डायरेक्टली अपनी मैट पर नहीं करना है। अगर करना भी है तो अपनी वॉल के सपोर्ट से या फिर अपने पार्टनर के सपोर्ट से। लेकिन हाँ, अब मैंने आपको बताया कि आप अगर पार्टनर का सपोर्ट या फिर वॉल के साथ करते हो, लेकिन तब भी आपका हैंडस्टैंड इस तरीके का नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपनी बॉडी को देर तक वहां रोक तो लोगे, लेकिन मसल्स पे कैसे वर्क करोगे, अपनी मसल्स की कैसे ताकत बढ़ाओगे, इस पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ना कि डायरेक्ट आसन करना और उसमें आपने रोकना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो सभी टेक्निक्स। मैं आपको कम से कम 5 से 6 टेक्निक बताऊंगा जिनका अभ्यास आपने करना है। और हाँ, इस वीडियो पे जितना आप रिस्पॉन्स लोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, अगर आपको लगता है कि आपकी काफी हद तक आर्म स्ट्रेंथ अच्छी हुई है, तो फिर मैं आपको और भी बहुत सारे टेक्निक्स है जो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली मेरे से लाइव सीखें, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आसन, या फिर इस तरीके के काफी सारे आसन हो सकते हैं, जैसे कि हैंडस्टैंड में मयूर आसन हो गया, आपका आर्म बैलेंसिंग पोज में मयूर आसन हो गया, पिकॉक पोज जो हमारा होता है, या फिर आपका वृश्चिक आसन हो गया, वृषासन हो गया, तो आप मेरी गाइडेंस में भी सीख सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम की आईडी मैंने आपको मेंशन कर दिया। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनको आपने फॉलो करना है अपनी आर्म स्ट्रेंथ या फिर कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सो नंबर वन, आपने अपने फोरआर्म मसल्स और अपनी रिस्ट, रिस्ट में आपकी होती है 8 कार्पल बोन और आपके बहुत सारे यहाँ पर मसल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी ब्रैकियोरेडियालिस मसल और फिर आपकी एक्सटेंसर डिजिटरम, फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स और आपका एरेक्टर्स, सारी मसल्स को आपने स्ट्रेंथनिंग करना है। तो चलिए दोनों हाथों को सामने लाइएगा और ऊपर एकदम चेस्ट को एकदम तनाव रखना, इन्हें लेकर
फिर अपने फिंगर्स को अपने क्लोज करना है और ओपन करना है, इसको पूरा ओपन और पूरा क्लोज करोगे, आप टू ओपन फुल एंड क्लोज योर फिंगर, आप इस ऐसे से नहीं करोगे, एकदम सीधा ओपन एंड क्लोज करोगे। काफी लोग गलती करते हैं इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम सीधा रखना है और इसको एकदम तेज तेज करना है, स्पीड में, विद द स्पीड यू हैव टू प्रैक्टिस। और देखिएगा आपको काफी सारा यहाँ पर प्रेशर आने लगेगा आपकी मसल्स पे, जो कि आपके लिए काफी बेस्ट होगा आपकी स्ट्रेंथनिंग करने में आपकी मसल्स की। अब ऐसे ही आपने उल्टा इस तरीके से हाथ रखना है और फिर आपने इस तरीके से स्पीड करना है। ये हमारी दूसरी टेक्निक है जिसको भी आप प्रैक्टिस करोगे, इनकी टाइम ड्यूरेशन होने वाली कम से कम आपकी 30 सेकेंड ईच टेक्निक, आपने 30 सेकेंड ये वो दोनों ही करनी है। तो अब आपने रिलैक्स भी करना है इस तरीके, तो ये आपने व्यायाम करने हैं ताकि आपकी आर्म्स की मसल्स में काफी हद तक ताकत आए। दोस्तों अब आपकी जो बैक मसल्स है यानी कि लैटिसिमस डॉर्सी और आपकी ट्रेपेजियस मसल, उनको साथ में आपके ट्राइसेप बाइसेप्स डेल्टोइड मसल्स, इन सारी मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग करनी है। तो सबसे पहले तो अपने दोनों हाथों को यानी कि दोनों एल्बो को इस तरीके से प्लेस करोगे अपनी मैट पर, फिर लंबी गहरी सांस लोगे, बटेक उठाया एंड वॉक करना है इस तरीके से, एक पैर आगे एक पैर पीछे, कम से कम आपने 10 बार करना है एक राउंड में, आप इसको 3 राउंड में भी कर सकते हैं, जितना आगे जा सकते हैं उतना आप जाइएगा और फिर धीरे से आपने रिलैक्स करना है। तो ये जो टेक्निक है इससे भी आप अपने शोल्डर और अपने बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस में अपने टोस को टच करेंगे और अपनी अपर बैक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करेंगे। देखिए एक हाथ आगे रखा एक हाथ पीछे, दोनों पैर फैला के रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप चाहे तो हाथों को और आगे भी रख सकते हैं, दूर से ला सकते हैं, फिर दूर से आपको काफी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग मिलेगी और स्ट्रेचिंग भी मिलने वाली है। फिर धीरे से रिलैक्स इस तरीके से आपने करना है। अगेन आपने अपने डेल्टोइड मसल्स को स्ट्रेंथफुल बनाना है, तो कैसे आप करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो दोनों हाथों को आपने आगे रखना है इस तरीके से और अपना एक पैर आगे रखेंगे सामने, फिर जो आपका नीचे वाला पैर है इसको बाहर निकालना है इस तरीके से और हाथ को भी ऊपर निकालेंगे, देखिए, और दूसरी तरफ से भी ऐसी। तो आपने अपने पांव को उठा के रखना है और याद रखिए दोनों नी को आपने नीचे टच नहीं करना है, ऊपर रखना है। रिलैक्स कर रहे हैं आराम से शोल्डर को इस तरीके से। दोस्तों कोर स्ट्रेंथ के लिए मैं आपको दो आसन बताऊंगा जो सबसे बेस्ट है आपके लिए। आपने पहला आसन करना है उत्तान पदासन में, ये इस तरीके से आप लेट जाएंगे पहले, तो फिर दोनों पैर ऊपर लाएंगे और अपनी बॉडी को यहाँ पर आपने स्टेबल करना है। अब आप क्या करेंगे, अपनी नी को थोड़ा बेंड कर लेंगे और अपने हाथों से अपनी नी को टच करेंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो हवा में रखना और अपने पैर को सीधा और फिर फोल्ड करना है ये। इसको कम से कम आपने 30 बार करना है, तो जाके आपके कोर में काफी ज्यादा टाइटनेस फील होगी और फिर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। बस दोनों हाथ ऊपर रखेंगे या फिर नी से टच भी कर सकते हैं, बस स्ट्रेट करना है अपनी नी को। और जिन लोग को नी में पेन है वो अवॉइड करना काफी हद तक, अगर आपको लगता है नी में ऐसे फोल्ड करने से पेन हो रहा है तो सीधा रखना और सामने देखना, और नेक को भी टच कर सकते हो और या तो हाथ साइड में। तो ये जो टेक्निक है इसको आपने अगर 30 सेकेंड या 1 मिनट तक कर लिया तो काफी हद तक आपको स्ट्रेंथनिंग होगा, कहां पर, कोर वाले रीजन में। जिनको नी में पेन या नी में पेन हो रहा हो उन्हें अपने अवॉइड करने की कोशिश करना है। अब आप क्या करेंगे, धनुरासन करेंगे। धनुरासन एक ऐसा आसन है जिसकी मदद से आप अपनी कोर की यानी कि पेट की सारी मांसपेशियों को यानी कि आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, इनकी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, साथ में आपकी बैक मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से होल्ड करना अपने एंकल पे और बटेक को पेट पर सारा प्रेशर देने के लिए सेंटर पे आपका पेट पर ही बैलेंस होना चाहिए। दोस्तों एक और बेहतरीन टेक्निक है, इसका अभ्यास आप करेंगे अपनी हैंड स्टैंड को सीखने के लिए। दोनों हाथों को अपने सामने रखना है इस तरीके से और वॉल के करीब आप रहेंगे, पैरों को मिलाकर रखना है, लंबी गहरी सांस लेना है और अपने हील को उठाकर रखना है और अपनी नी को टच करना है चेस्ट से, फिर आप सारा बॉडी का वेट अपने हाथों के बीच में रखना, सर को भी इनहेल देते हुए ऐसे लिफ्ट करना ये और फिर सीधा करना पैर और बैलेंस करना अपने फिंगर टिप्स का यूज करके।
तो ये सारी बेस्ट टेक्निक्स हैं, इनको भी आपने फॉलो करना है और बहुत हद तक आप धीरे धीरे 1-2-3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करोगे आर्म्स की स्ट्रेंथ, कोर की स्ट्रेंथ, तब जाके ही आपका हैंडस्टैंड होने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि इस वीडियो को प्रैक्टिस करने में, जो कि मुझे लगता है आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ हद तक या फिर कुछ आपके कुछ समय के अंदर ही आप अपने हैंडस्टैंड में बैलेंस करने लग जाओगे और साथ में आपका जो बॉडी का वेट होगा, जो आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, वो भी काफी अच्छा हो सकता है। अगर आपने ये आसन कर लिया तो आपका अंदर का जो आत्मविश्वास है, जो आपकी एनर्जी है, वो काफी हद तक बढ़ने वाली है। ये सारे बेनिफिट्स भी आपको होने वाले हैं। साथ में आपको लगेगा कि आपने अपनी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके आपने एक ऐसी चीज हासिल कर ली है जिसको हासिल करना काफी मुश्किल होता है। सो दोस्तों, ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो जब भी डालूं, अपलोड करूं हमारे इस चैनल पे, तो आपको मिल जाए आराम से प्रॉपरली। अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे नहीं गए या इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जरूर जीवन योगा स्टूडियो को इंस्टाग्राम पे भी सर्च करें या फॉलो करें। काफी सारे कंटेंट वहां पर मिलते रहेंगे, आपके लिए काफी ईजी रहे। सो वहां पर आपको लाइव क्लासेस अवेलेबल रहती हैं जिससे आप अपने अंदर बूस्ट ला सकते हैं, कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, इंस्पिरेशन आपको मिल सकती है हमारे स्टूडेंट्स को देखकर। साथ में अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव सीखना ऑनलाइन, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ में हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।